दोस्तों 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो का मैसिव साइज देखकर तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का कंपटीशन मार्केट के अंदर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी के साथ होने वाला है। न्यू स्कॉर्पियो बोथ पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ऑफर की जाएगी और हाइयर वेरिएंट के अंदर हमें 4x4 सिस्टम भी मिलने वाला है। महिंद्रा के सभी मॉडल्स की तरह नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की भी रोड टेस्टिंग चल रही है। गाड़ी की लॉन्चिंग तो कुछ महीने डिले हो गई है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, लेकिन अभी जो ये टाइम है इसका भी अच्छे से यूज कर रही है महिंद्रा, ताकि आने वाले टाइम में गाड़ी के अंदर हमें कोई मेजर दिक्कत ना देखने को मिले। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में हम जानते हैं कि गाड़ी को न्यू लैडर फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जिससे गाड़ी क्रैश परफॉर्मेंस के अंदर पहले से और बेहतर बनने वाली है। न्यू थार को ग्लोबल एनकैप के अंदर 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है जो न्यू स्कॉर्पियो है उसको भी कम से कम 4 स्टार की रेटिंग तो मिलने ही वाली है क्रैश टेस्ट के अंदर। दोस्तों गाड़ी का प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट वैसे तो फुली कैमोफ्लोज्ड है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि गाड़ी के अंदर हमें स्टाइलिंग में क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। महिंद्रा के डिजाइनरों ने पॉपुलर एसयूवी का प्रोफाइल ऐसा बनाया है कि गाड़ी दूर से ही पहचान में आ जाए, अपराइट लाइन एंड फ्लैट सरफेस के साथ है। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल मॉडर्न और बोल्डर बनाया गया है। गाड़ी के अंदर 7 स्लॉट ग्रिल, स्पोर्टी एलईडी हेडलैम्प्स एंड ए न्यू बम्पर विद हनीकॉम मैशिंग फॉर द सेकेंडरी एयर डैम। गाड़ी के रियर प्रोफाइल को भी इवोल्यूशनरी रखा गया है। गाड़ी के अंदर न्यू डिजाइन की वर्टिकली ओरिएंटेड टेल लैंप्स मिलने वाली है। हायर वेरिएंट के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील भी ऑफर कर सकती है कंपनी। और जहां तक इंटीरियर की बात है दोस्तों, गाड़ी के इंटीरियर के अंदर एक फ्रेश और न्यू डैशबोर्ड का डिजाइन मिलने वाला है, कंप्लीट विद न्यू सेंटर कंसोल, इंस्ट्रूमेंट पैनल, एसी वेंट्स एंड स्टीयरिंग व्हील्स। और दोस्तों यह तो कहने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी के अंदर आप बिग स्क्रीन के साथ न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑफर करने वाली है कंपनी, जो सभी एडवांस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। और पहले स्पाई शॉट में हमने देखा था कि गाड़ी के अंदर हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ गाड़ी के अंदर हमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर अब न्यू महिंद्रा थार वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने वाले हैं, जो इसको करंट मॉडल से काफ़ी पावरफुल भी बनाने वाले हैं। एक तो आपको गाड़ी के अंदर वही लेकिन न्यू 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलने वाला है, और सेकंड जो स्कॉर्पियो के अंदर फर्स्ट टाइम आया है 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर और टोर्क आपको लगभग सिमिलर थार वाले ही मिलने वाले हैं। बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे अब स्कॉर्पियो के अंदर, और हायर वेरिएंट के अंदर हमें 4x4 सिस्टम भी मिलने वाला है। अब मार्केट पोजीशनिंग और राइवल्स की अगर बात करें तो दोस्तों करंट स्कॉर्पियो अपनी लाइफ के आखिरी दौर में भी अच्छे से सेल हो रही है, जिससे कंपनी को न्यू और ओल्ड मॉडल को एक साथ बेचने के संकेत भी मिल सकते हैं। महिंद्रा ने कुछ न्यू नेम भी ट्रेडमार्क किए थे, स्कॉर्पियो स्टिंग और स्कॉर्पियो एन, जो न्यू स्कॉर्पियो के प्रोडक्शन मॉडल के अंदर हो सकते हैं। और दोस्तों एक रग्ड अपील तो इसके न्यू लैडर फ्रेम हार्डवेयर से ही आती है। गाड़ी को इस साल फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों प्राइस के लिहाज से तो गाड़ी का मार्केट के अंदर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन होता है, लेकिन जो मेरे भाई स्कॉर्पियो की रग रग से वाकिफ है उसको पता है कि स्कॉर्पियो एक अलग ही लेवल की गाड़ी है। दोस्तों स्कॉर्पियो एक नाम नहीं, स्कॉर्पियो एक ब्रांड है, और दोस्तों सच में स्कॉर्पियो एक अलग ही लेवल की गाड़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन न्यू स्कॉर्पियो से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।